एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं माही और स्वागत करती हूं मेरे चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स विद माही में। आज मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही हूं वो है ये कलर बार का जस्ट स्मोकी काजल। डिटेल्स के बारे में इसकी बात कर लेते हैं। नेट वेट है इसका 1.2 ग्राम, प्राइस है इसका 675 रुपीज़ यानी कि 675 रुपये, और इसकी शेल्फ लाइफ है 3 ईयर्स। मेरे पास ये जो शेड है ये है जस्ट टील 004, जो कि बहुत ही प्यारा शेड है, बहुत ही प्यारा कलर है। मैंने आज लगाया भी है, आप देख सकते हैं, और इतना प्यारा कलर है कि मैंने ये काजल, ये कलर का काजल फर्स्ट टाइम ख़रीदा है, और मुझे इसको फर्स्ट टाइम परचेज करते ही, फर्स्ट टाइम अप्लाई करते ही मुझे इससे प्यार हो गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी क्या क्लेम करती है। कंपनी क्लेम करती है कि ये 12 आवर्स स्टे करेगा, और जो कि बिल्कुल सही बात है। मैंने इसको पहले ट्राई किया और ये 12 आवर से ज़्यादा, मतलब 12 घंटों से ज़्यादा ये था, बिल्कुल वैसे ही था, बिल्कुल स्मज नहीं हुआ, बिल्कुल भी निकला नहीं था। वाटर प्रूफ है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, 100% क्रुएल्टी फ्री है, जो कि बहुत अच्छी बात है। नो पैराफिन, नो मिनरल ऑयल, नो प्रिजर्वेटिव्स, नो एनिमल ड्रग्ड इंग्रेडिएंट्स, जो कि सभी चीज़ें इसकी बहुत अच्छी। आपको इसको खोल के दिखाती हूँ कैसा है ये। ये इस तरीके की पेंसिल है, एक साइड में इसके काजल है ये इस तरीके का, आप देख सकते हैं, और दूसरी साइड में इसको स्मच करने के लिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इससे क्या, आप एक काजल से आप 3 काम कर सकते हैं। काजल लगा सकते हैं, आई लाइनर लगा सकते हैं, और आई शेडो की तरह अप्लाई करके आप ये स्मजर से अपना स्मोकी लुक का काजल, आई शेडो और आई लाइनर कर सकते हैं। आप ये शेड देख सकते हैं, इसका क्रीमी टेक्सचर है, इसका ये शेड है इसका बहुत ही प्यारा शेड है, बहुत ही प्यारा कलर है, वाटर प्रूफ है। वाटर प्रूफ टेस्ट भी करके दिखा देती हूँ। और आप इसको अगर स्मोकी काजल या स्मोकी आईलाइनर या स्मोकी आई शेडो की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो आप ये स्मजर से इसको यूज़ करके इस तरीके से आप स्मज कर सकते हैं, और इसकी पिगमेंटेशन बहुत 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 अच्छी है। मेड इन जर्मनी है, पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है, 50 सेकेंड में ये सेट हो जाता है, ट्रैवल फ्रेंडली भी है। तो अभी स्मज प्रूफ का टेस्ट करके देख लेते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल भी स्मज नहीं हो रहा, 50 सेकेंड छोड़ देना है लगा के, उसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसको कितना स्मज कर रही हूँ, ये कुछ नहीं हो रहा। ओके, अभी मैं इसका वाटर प्रूफ टेस्ट भी करके दिखाती हूँ। ये मैंने गुलाब जल लिया है और आपके सामने ये मैं यहाँ गिरा रही, गिराया मैंने कितना सारा इसके ऊपर पानी डाल दिया। ये देखिए, ये कहीं से भी निकल नहीं रहा, तो ये वाटरप्रूफ भी है। तो अगर आप ये ट्राई करना चाहते हैं तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो ओवरऑल मुझे ये काजल बहुत पसंद आया, ट्रैवल फ्रेंडली है, स्टे करता है काफ़ी टाइम तक, 12 आवर से ज़्यादा स्टे करता है, वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है, पिगमेंटेशन अच्छी है, सारी चीज़ें इसकी अच्छी हैं, सभी चीज़ें इसकी अच्छी है, नेगेटिव पॉइंट कोई भी नहीं है। हाँ, एक चीज़ है कि आपको इसको शार्प करना पड़ेगा, लाइक जो सिंपल, जो शार्प नहीं करने पड़ते काजल वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं। शार्प करने से क्या, मुझे लगता है कि वो थोड़ी वेस्टेज होती है, बस वही चीज़ है, और बाकी सब चीज़ें इसकी अच्छी हैं। तो मुझे जो काजल पसंद था अभी तक जो मैं यूज़ कर रही थी वो है मैक का काजल, और अभी ये कलर बार का काजल भी मेरी फेवरेट लिस्ट में ऐड हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।